वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। IOCL का तरफ से एक नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल के लिए एक अच्छा रिक्रूटमेंट निकल गया जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पानीपत रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया। देखिए यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाला गया, ये रिक्रूटमेंट का ये एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कमेंट्स ऑन 7 मई 2022 आपको चालू हो जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज्ड हो जाएगा ये 28 मई 2022 5 बजे तक ये क्लोज हो जाएगा। आपको ये फॉलोइंग जो वेबसाइट दिया है ये वेबसाइट में जाके अप्लाई करने के लिए बोला है। द रिटेन टेस्ट इज लाइकली टू बी हेल्ड ऑन 19 जून 2022 संडे। ये भी कब एग्जाम होगा वो भी आपको बोल दिया गया। देखिए ये जो वैकेंसी है ये एक्सपीरियंस नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी है, नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल के लिए ये वैकेंसी है। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम ब्राइट यंग इंडियन नेशनल के लिए और यहाँ पे सैलरी आपका पे स्केल 25,000 से 1,05,000 तक आपका सैलरी रहेगा। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्वेशन, देखिए 201 जो पोस्ट कोड है ये इसमें जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 प्रोडक्शन के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 18, इसमें UR के लिए 9, EWS के लिए 1, SC के लिए 3 और OBC के लिए 5 पोस्ट रखा गया। और 205 जो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए एक पोस्ट रखा गया जिसमें UR में एक ही है। तो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन के तौर पे इसको रखा गया है। देखिए यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दिया गया, देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर ST कैटेगरी इन स्टेट ऑफ हरियाणा, हाउएवर ST कैटेगरी शैल बी ट्रीटेड अंडर अनरिजर्व। ST कैटेगरी हरियाणा के लिए यहाँ पे रिजर्व नहीं है, उनको अनरिजर्व कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो क्राइटेरिया है इसमें बोला गया पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट, इसमें जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए जो पोस्ट कोड 201 इसके लिए 3 ईयर्स डिप्लोमा इन केमिकल रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग BSc मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, इसमें 50% मार्क्स आपका एग्रीगेट और जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स इनकेस ऑफ SC कैंडिडेट एनी रिवाइज पोजिशन। तो इसमें 50% नाम मार्क्स फॉर जनरल एंड ओबीसी और 45% मार्क्स SC कैंडिडेट के लिए रखा गया। यहाँ पे एक्सपीरियंस के तौर पे यहाँ पे बोला गया मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, आपका 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रोटेटिंग शीट में, आपका पंप हाउस फायर हीटर कंप्रेसर डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम फर्टिलाइजर ये जो एक्सपीरियंस है इसमें अगर रहेगा तो आप इसमें एलिजिबल है। देखिए नेक्स्ट जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 इंस्ट्रूमेंटेशन में जो जिसका पोस्ट कोड 205, इसमें भी 3 ईयर डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स फॉर जनरल एंड ओबीसी के लिए 45% मार्क्स SC कैंडिडेट के लिए रखा गया, सेम क्वालिफिकेशन रखा गया। यहाँ पे भी मिनिमम 1 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जिसमें DCS PLC विथ इलेक्ट्रॉनिक फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल वाल्व स्मार्ट पोजिशनर लूप कॉन्फ़िगरेशन वन लाइन एनालाइजर कंडीशन मॉनिटरिंग, इसमें अगर ये जो एक्सपीरियंस दिया गया है इसमें अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसमें एलिजिबल। देखिए यहाँ पे 2 नंबर पे बोला गया डिप्लोमा BSc ब्रांच सब्जेक्ट स्पेसिफाइड अगेंस्ट रेस्पेक्टिव पोस्ट विल ओनली बी कंसिडर्ड, अगर रेस्पेक्टिव पोस्ट के तौर पे आपका एक्सपीरियंस और आपका क्वालिफिकेशन है तो आपको कंसिडर किया जाएगा ये पोस्ट के लिए। प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और रेगुलर कोर्स होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 4 नंबर पे बोला गया कैंडिडेट प्रोसेसिंग डिप्लोमा अंडर रिकॉग्नाइज्ड लैटरल एंट्री, अगर लैटरल एंट्री स्कीम से है 12 का बाद और आई या तो ITI जो है ITI के बाद जो सेकेंड ईयर में जो लैटरल एंट्री होता है उसमें अगर एंट्री है तो आप शुड बी कंसिडर्ड, आप इसमें एलिजिबल है। मतलब ITI करने के बाद कुछ स्टूडेंट सेकेंड ईयर में लैटरल एंट्री से डिप्लोमा करते हैं उनके लिए भी ये 4 सेमेस्टर का एग्जाम होता है उसके लिए आप एलिजिबल है, वो आपका क्वालिफिकेशन रहेगा तो इसके लिए आप एलिजिबल है। देखिए
यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में बोला गया कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई ओनली वन पोस्ट, आपको वन पोस्ट के लिए अलाउ है, आप वन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एज लिमिट रिलैक्सेशन कैंडिडेट बिलोंगिंग एससी ओबीसी एक्साइटमेंट के लिए जो कुछ क्राइटेरिया रखा गया है इसमें, सर्टिफिकेट इशूड बाई बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पासिंग हायर सेकेंडरी ओनली एक्सेप्टेबल फॉर डॉक्यूमेंट्स इन स्पोर्ट्स प्रूफ एज, इसमें मिनिमम 18 इयर्स एज और मैक्सिमम एज आपका 26 इयर्स रखा गया है। एज पर 30 अप्रैल 2022 तक जो एज है इसमें मिनिमम आपका 18 इयर्स और मैक्सिमम आपका 26 इयर्स होना है। एज पर गवर्नमेंट रूल 5 इयर्स फॉर एससी एसटी एंड 3 इयर्स फॉर ओबीसी एनसीएल के लिए ये आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे हाउ टू अप्लाई सेक्शन में बोला गया, यहाँ पे ऑनलाइन आप लोग आपको अप्लाई करना पड़ेगा, एक एक्टिव ईमेल आईडी रहना चाहिए और मोबाइल फ़ोन नंबर भी रहना चाहिए। और इसमें देखिए इसमें कैंडिडेट मीट द प्रिस्क्राइब लिमिट पोस्ट फॉर विजिट www.iocl.com, ये लिंक मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया कि ये कैसे आपको जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप थोड़ा गौर करके देखिए, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑल फर्दर कम्युनिकेशन कैंडिडेट्स विल बी टेक प्लेस ओनली थ्रू वेबसाइट ईमेल और या एसएमएस, आप फर्दर कम्युनिकेशन के लिए वेबसाइट का ईमेल एसएमएस और वेबसाइट इस वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको मस्ट करना है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बोला गया, आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली साइंड बाय हिम हर, मतलब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करके उसको आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे, वो प्रिंट आउट आपको भेजना है ड्यूली साइन, मतलब आपका खुद का साइन किया हुआ वो प्रिंट आउट आपको भेजना है। सेल्फ अटेस्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज पर एनेक्सर वन, जिसमें आपका एडवर्टाइजमेंट एंड कलर फोटोग्राफ अंडर सेल्फ अटेस्टेड, आपका एक कलर फोटोग्राफ और इसमें उसमें सेल्फ अटेस्टेशन रहना चाहिए, आपको उसमें सेल्फ अटेस्टेड करके दीजिए। और वो कहाँ पे भेजना है, टू द पोस्ट बॉक्स नंबर 128 पानीपत हेड ऑफिस पानीपत हरियाणा 132103 थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट, ये आपको ऑर्डिनरी पोस्ट में रीच्ड बाई 18/6/2022, मतलब 18 जून 2022 तक आपको इसका अंदर आपको भेजना है ऑर्डिनरी पोस्ट में। कैंडिडेट ऑल्सो सेंड द स्कैन कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्यूली साइंड हिम, ये आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो स्कैन कॉपी है वो ड्यूली साइन करके उसको स्कैन करके उसको आपको भेजना है। डॉक्यूमेंट्स ये ईमेल आईडी पे भेजेंगे, ये ईमेल आईडी पे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये ईमेल आईडी पे भेजेंगे तो भी हो जाएगा एटलीस्ट 19/6/2022, मतलब अलोंग विथ ऑल सेल्फ अटेस्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन उसमें प्रिंट आउट निकलने के बाद आप उसमें साइन कीजिए, उसको स्कैन कीजिए और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आप इसमें एक साथ में ड्यूली अटेस्टेड साइन खुद का साइन करके उसको साइन करके वो स्कैन करके सब एक साथ में स्कैन करके ये मेल एड्रेस पे आप भेजिए 19/6/2022 तक। देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया, डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग ये आपका 27/7/2000, देखिए यहाँ पे डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 7/2022 10 बजे तक आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो जाएगा। लास्ट डेट ये आपका 28/2022 5 बजे तक है। और लास्ट डेट ऑफ रिसीव प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट आपको भेजना है वो आपको बाई ऑर्डिनरी पोस्ट आपको 18/6/2022 तक भेजना है। और बाई ईमेल आप ईमेल में भेज सकते हैं, ये ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसमें भी आप भेज सकते हैं 19/6/2022 तक। रिटर्न टेस्ट वेन्यू हैंड, रिटर्न टेस्ट आपका 19/6/2022 ये संडे का दिन आपका लिया जाएगा। और नीचे रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट 29/6 मतलब 29 जून 2022 तक आपको ये रिजल्ट निकल दिया जाएगा। टेंटेटिव वेन्यू फॉर रिटर्न टेस्ट का टेंटेटिव वेन्यू न्यू दिल्ली रखा जाएगा, ये आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया। ये था इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो
तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम का।